अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एसएम पावर पॉइंट और मैं हूं सदाकत महमूद। थाना सदर की हदूद चक 65WB में तेजाब गर्दी का वाकया। नुमान नामी ओबाज बिगड़ा हुआ रईस ज्यादा नौजवान लड़की पर तेजाब फेंकर फरार हो गया। लड़की के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से झुलस गए। तफसीलात के मुताबिक थाना सदर की हदूद 65WB की रिहायशी 24 साल एसआईएम डॉक्टर हाकिम अली गली में जा रही थी कि मुलजिम नुमान ने रास्ता रोक लिया। लड़की अपने बचाव के लिए भाग खड़ी हुई तो मुलजिम ने ताकब करके तेजाब फेंक दिया और फरार हो गया। मुतासर लड़की के वालदा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुलजिम ने पहले भी कई बार मेरी बेटी को रास्ते में रोक कर छेड़खानी की कोशिश की और मुलजिम नाजायज तरकात कायम न करने की सूरत में संगीन नतज की धमकियाँ देता था। मेरी बेटी ने हर बार घर आकर मुलजिम की हरकतों के बारे में बताया, जिस पर मुलजिम के घर वालों से शिकायत भी की, लेकिन मुलजिम बाज न आया और उसने मेरी बेटी पर तेजाब फेंक दिया जिससे उसकी कमर और हाथ झुलस गए, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गई। तेजाब गर्दी की शिकार जख्मी लड़की को DHQ अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया, जबकि पुलिस थाना सदर ने कार्रवाई शुरू कर दी। मजीद खबरों और तेजियों के लिए देखते रहिए एसएम पावर पॉइंट।